Guys, this is Kamleshwarma and I welcome you all in Aurora IS. And this is lecture number 7 of fiscal policy and budgeting. In this lecture, we will try to complete the fiscal policy part. Okay. We just have to see two things. First one is Uj Uday scheme. Okay. And second one is public debt. Public debt, we have to divide it into two parts. Okay. ये जो कंप्लीट जो बेसिक पार्ट है मीनिंग वाला पार्ट है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जो कंप्लीट जो उसका एप्लीकेशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पब्लिक डैप्ट कितनी है और किस कंट्री के मुकाबले कैसी है जो कंप्लीट एनालिसिस है वो उसकी बीओपी चैप्टर के बाद ही होगी बिकॉज वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको पब्लिक डैप्ट का रियल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बट फिर भी मैं यहाँ पर मीनिंग कवर कर दूँगा और उदय स्कीम क्या है उसको कवर कर दूँगा ओके okay, फिर अगले लेक्चर से वी विल बिगिन विथ बजटिंग पार्ट ओके वी विल बिगिन विथ बजटिंग पार्ट चलिए चालू करते हैं उदय स्कीम के साथ तो सबसे पहली बात तो उदय स्कीम क्यों लाई गई थी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि भैया आप उदय मतलब कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्ट्रेस से निकालने के लिए ठीक है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्ट्रेस से निकालने के लिए कोई स्कीम लेके आओ तो जिस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई उसका नाम था उदय स्कीम मतलब उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ठीक है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ओके okay? और ऐसा क्यों हुआ मतलब किस टाइप के लॉसेस में थी कि फाइनेंस कमीशन को बोलना बोलना पड़ा कि भईया आप स्कीम लेके आओ देखो लॉस ये था कि अप्रॉक्सीमेटली सारे स्टेट्स का अगर आप लॉसेस कम्बाइंड कर दो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जैसे फॉर एग्जाम्पल एम का कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा उसी प्रकार यूपी का होगा उसी प्रकार बिहार का होगा अगर आप सबका सारे स्टेट्स का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्जा एड कर दो सो यू विल गेट इट थ्री पॉइंट एट लाख करोड़ इट इज़ अज नंबर वेरी ह्यूज नंबर ठीक है थ्री पॉइंट एट लाख करोड़ अब ये लॉसेस मेनली हुए क्यों क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये लॉसेस हमें देखने को मिले सबसे पहला तो ये था कि भाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है ये अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ होता है वन फोर्थ मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है देखो इसमें क्या रहता है कि जो हमारी आप सब जानते हैं कि यहाँ पर पावर जनरेशन होता है ठीक है मान लो एक जगह पावर जनरेशन होता है जहाँ पर पावर प्लांट रहता है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास आता है जिसको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्कॉम्स बोलते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल हमारे मध्यप्रदेश में है पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड ठीक है डिस्कॉम्स अब ये डिस्कॉम्स के बाद ये जगह जगह खंबे लगे रहते हैं और उसके थ्रू घरों में जाती है ठीक है अब देखो ये जो तारे हैं ये जो तारे ये वाली तारे ये वाली तारे ये वाली तारे ये सब तारे, तारे बहुत पुरानी हो गई है अगर मान लो यहां से पावर कंपनी ने सौ यूनिट भेजा मान लो सौ यूनिट की बिजली भेजी तो यहां पर तो नब्बे यूनिट पहुंची ठीक है अब यहां से नब्बे यूनिट भेजा तो यहां से और कम हो गई मान लो कहीं पर पचास कहीं पर सत्तर कहीं पर अस्सी कहीं पर चालीस वो वायर के ऊपर डिपेंड करता है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा विदाउट एनी रीजन हमें यहां पर पावर का लॉस हो रहा है जब पावर का लॉस हो रहा है मतलब मनी का लॉस हो रहा है ठीक है जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं ठीक है थीके? तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है इनको लॉसेस हो रहे हैं मतलब इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या कहा जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ये ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है याद रखना मतलब अगर अगर यहाँ से सौ प्रतिशत भेजी जा रही है सौ यूनिट बिजली भेजी जा रही है तो घरों में पच्चीस यूनिट पहुँचने से पहले ख़त्म हो चुकी रहती है ठीक है तो लॉस हो रहा ना यहाँ पर इसकी वजह से ये सबसे बड़ा मेजर लॉस होता है ठीक है इसके बाद दूसरा है हमारा पावर थेप्ट अरे भैया लोग लुग्गी लगा रहे थे लुग्गी पता है ना तारे रहती हैं खंभे रहते हैं वहाँ पर लुग्गी डाल देते हैं ठीक है थीके? और वहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजंस हो रिलीज कोई फेस्टिवल होता है लाइक दुर्गा जी और फिर इसके बाद गणेश जी कुछ भी होता है तो उसमें ऐसे ही किया जाता है हमारे एरिया में तो ऐसे ही किया जाता है अब बाकी एरिया का नहीं पता इसके बाद आप कह सकते हैं पावर थेफ्ट घर में लुग्गी लगाई जाती है ठीक है और फिर इसके बाद अगर कोई शादी पार्टी हो गई अगर रोड में शादी पार्टी कर दी गई फिर भी ऐसे ही होता है ठीक है इसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ बिल ठीक है काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों का कर्जा बढ़ते जाता है और अगर बिजली काटने वाले आते हैं काटने के लिए तो वहाँ पर लोग बिजली काटने देते हैं हंगामा कर देते हैं लोगों को मारने पीटने लगते हैं तो यूजअली जो कमिश्नर रहते हैं जो ऑफिसर रहते हैं वो भी वहाँ पर जाने से डरते हैं ठीक है इसके बाद आता है सब्सिडीज़ गवर्नमेंट बहुत ही हैवी सब्सिडीज़ देती है इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है देखो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में लो ठीक है एग्रीकल्चर की फील्ड में आओ एग्रीकल्चर की फील्ड में जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको कुछ यूनिट तक बिजली फ्री रहती है लाइक अगर आप सौ यूनिट डेढ़ सौ यूनिट यूज करो तो आपकी बिजली का एक भी बिल नहीं आएगा ठीक है या फिर सौ से दो सौ रुपये लगेगा इस टाइप का रहता है अब इसमें ये लोग क्या करते हैं घर की पूरी बिजली जलाते हैं घर की पूरी बिजली जलाते हैं उसका कोई बिल नहीं दे रहे इसके बाद एक और काम ये करते हैं कि ये लोग मतलब जब इनको सब्सिडी दे दी गई कि भैया आपको बिजली का बिल नहीं लगेगा अगर आप फार्म में यूज़ करोगे मतलब पावर पम्प दैट मीन्स क्या बोलते हैं पानी को पंप करने के लिए तो आपको बिजली नहीं लगेगी तो वो पूरा बिल तो पहली बात ये पानी वाले मोटर में डाल देते हैं पहली चीज़ होती है तो वो अपने घर का बिल भी नहीं भरते हैं और दूसरा लॉस ये होता है कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है उसे वो बहुत ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है और विदाउट एनी रीज़न मतलब हर जगह खेतों में डाल दिया जा डाल जा, दिया जाता उनको नहाना उसके लिए पानी निकाल रहे हैं कुछ हो रहा है उसके लिए पानी निकालते हैं मतलब ये लोग पानी की और जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और मतलब आप कह सकते हैं विदाउट एनी रिस्पॉसिबिलिटी वो लोग बिजली को वेस्ट करते जा रहे हैं साथ ही पानी को भी वेस्ट करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लास्ट ईयर वी बिकेम द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने बोला था कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग द राइस वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द वाटर बिकॉज राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप ठीक है तो हम जो अपना इतना यूजफुल वाटर है वो भी वेस्ट करते हैं यूजुअली इन सब स्टेट की ख़राब पॉलिसी की वजह से स्टेट को इनके ऊपर भी कुछ लगामे लगानी चाहिए जिससे ये लोग बिजली की वैल्यू समझें पानी की वैल्यू समझें और इसको यूज ना करें ठीक है तो अल्टीमेटली ये सब पैसा कहाँ से जाता है टैक्सपेयर की मनी से ठीक है जब कोई पे नहीं करेगा तो सिंपल सी बात अभी कंपनी से डूबने नहीं देंगे तो टैक्सपेयर मनी जो रहती है इसको यहाँ पर डाल दिया जाता है और जो रोड में लगनी चाहिए वो यहाँ चली जाती है मतलब इन सब की गलती के जैसे की वजह से आपकी जेब से पैसा चला जाता है वेस्ट हो जाता है अब तो सिंपल सी भाई बात है वेस्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लोग कुछ अपग्रेडेशन चाहते हैं जैसे मान लो उनको अगर पावर थेफ्ट रोकना है या कुछ रोकना है वो तो लोग कुछ डिजिटल मीटर लगाना चाहते हैं प्रीपे कार, प्रीपेड कार्ड प्रीपेड कार्ड मीटर लगाना चाहते हैं तो ये लोग नहीं लगा पाते क्यों बिकॉज उनके पास वो लगाने की अपग्रेड करने की टेक्नोलॉजी नहीं है टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं है जब आपने पैसे दिए नहीं तो कैसे वो लोग अपग्रेड करेंगे जब लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो मतलब ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन आपको इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं मिलेगा जब ट्वेंटी 24, फोर ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं मिलेगा तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी अब बताओ ऐसी कंट्री में कौन जाएगा जहाँ पर भैया बिजली नहीं रहती है ठीक है अब जब अगर बिजली नहीं होगी तो आपका डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा ठीक है क्यों जब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे लैपटॉप कैसे चार्ज करेंगे और अगर मान लो ये बढ़ता गया अब ये जो इसमें अब सिंपल सी बात है ये लोग लोन लेते हैं बैंक से अब इनके पास जब पैसा नहीं आएगा तो वो लोन कैसे वापस करेंगे तो बैलेंस शीट वाला प्रॉब्लम याद है ना कि अगर कंपनी की कॉरपोरेट की अगर बैलेंस शीट खराब हुई तो उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा बैंक्स में अगर कॉरपोरेट डूबे तो बैंक्स डूबेंगे बैंक डूबेंगे तो पूरी इकनॉमी डूबेगी तो ये तक इंपैक्ट हो सकता है इनका इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भैया आप कोई इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम लेके आओ तो सरकार क्या लेके आई उदय लेके आई ठीक है कि उदय हो दोबारा इन सबका जैसे पूर्वोदय स्कीम है वैसे ही उदय स्कीम है ठीक है पूर्वोदय उदय पूर्वोदय स्कीम पता है लास्ट ईयर थी न्यूज़ में काफ़ी चलो बता दो जिसको पता है कमेंट सेक्शन में सो so, देखो इसमें होता क्या है उदय स्कीम में क्या है कि इसमें एक्चुअली जो भी कंपनी का डेप्ट है फॉर एग्जांपल अगर हंड्रेड रुपीज़ डेप्ट है ठीक है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट और सेवेंटी फाइव परसेंट और जो सेवेंटी फाइव परसेंट है स्टेट गवर्नमेंट इसके नाम पर अपने शेयर इशू करेंगे मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी सॉवरन सिक्योरिटी इशू करेंगे बोलेंगे कि ये सेवेंटी इनका जो बर्डर है हम ले रहे हैं ठीक है और ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट जो कंपनीज़ हैं वो खुद पे करेंगी मतलब खुद ये भी तो पे करें अब स्टेट गवर्नमेंट पर क्यों डाला गया बिकॉज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्टेट गवर्नमेंट की और इन्हीं की बेकार और रैकलेस और रेंटलेस बकवास पॉलिसी की वजह से इनकी हालत हुई है तो इसलिए आप सेवेंटी फाइव परसेंट बर्डन शेयर करो और बाकी जो कंपनीज़ है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट बर्डन शेयर करेगी ठीक है अब देखो इससे होगा क्या और ये चीज़ और ये जो सेवेंटी फाइव परसेंट है जो शेयर ये कौन खरीदेगा आपको पता देखो होगा कि एक्चुअली रियल प्रोसेस क्या होगी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो कंपनीज को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा ठीक है जो कंपनीज़ है डिस्कॉम कंपनीज उनको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा अब बचे हुए जो पचहत्तर रुपए हैं इनके स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी शेयर बना लेगी ठीक है शेयर बना लेगी किस तरीके से शेयर मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कोई नहीं इसका अ, मतलब मार्केट और जो अपना मार्केट वाला चैप्टर है कैपिटल मनी मार्केट उसमें पढ़ेंगे तो शेयर बना देगी मान लो पचहत्तर रुपये के शेयर बना दी सरकार ने ठीक है ये बन गया पचहत्तर रुपये के स्टेट गवर्नमेंट मान लो एम सरकार ने इस पचहत्तर रुपये के शेयर बना दिया अब ये जाके बेच देगी किसको एस को एस बी आई को भेज दी एस बी आई इशर वो खरीदेगी और उसके बदले में पचहत्तर रुपये दे देगी अब ये पचहत्तर रुपये इन लोग को वापस मिल जाएंगे तो कितने हो गए पच्चीस प्लस पत्तर मतलब ये लोग सौ रुपये के पास आ गए ये लोग अपग्रेड कर लेंगे और जो प्रीपेड मीटर है ये सब लगाना चालू कर देंगे और उसके बाद जो हमारे मोदी जी का मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन मेक इन इंडिया मिशन वो भी सक्सेस में आने लगेगा ठीक है लेकिन आपने देखा ये जो पचहत्तर रुपये बैग दिए ना अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे वापस करेगी या दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर सॉवरन सिक्योरिटी इशू करने की बात की गई है ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी तो मैं मतलब सिंपल सी बात है कभी ना कभी तो पैसे वापस आएंगे ठीक है और एक चीज़ और ये जो स्कीम है ये ऑप्शनल स्कीम है भाई हर स्टेट को कंपलसरी नहीं है जो भी स्टेट लेगी उसको कुछ फायदे लेंगे सिंपल सी बात है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रैक्स आता है बच्चों वाला खाने वाला तो उसमें एक, एक रुपये का खिलौना आता है एक रुपए का क्या पचास पैसे का आता है ठीक है पचास बाइस ठीक है पचास पैसे का खिलौना आता है उस पचास पैसे के खिलौने में क्या रहता है कुछ नहीं लेकिन फिर भी आप खरीद लो खिलौने के चक्कर में तो उसका रीज़न क्या है आपको कुछ इंसेंटिव दिया गया कुछ फ्री गिफ्ट दिया गया वैसे ही हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फ्री गिफ्ट देगी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हमसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पी एस यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पी एस यूज होती है उनसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदोगे तो हम आपसे लो रेट्स देंगे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी uh, जनरेशन के लिए कोल मांगोगे तो उसको उसको लो रेट पे देंगे और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंसेंटिव दी जाती है ठीक है लेकिन याद रखना ऑप्शनल स्कीम है इसको मत भूलना और किस तरीके से डिवीजन हुआ इसको भी मत भूलना और ये जो रीजन्स बताए मैंने इसको तो ज़रूर से याद रखना ये कहीं पर भी मैं में आप कोट कर सकते हो ठीक है तो ये हो गया हमारा उदय स्कीम अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे फिजिकल पॉलिसी का इसके बाद अगले लेक्चर से बजटिंग होगा तो देखो आपने सुना होगा पब्लिक डेप्ट की एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है इंटरनल डेप्ट क्या होता है फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा जो आप पी भरते हो ठीक है प्रोविडेंट फंड तो वो गवर्नमेंट का डेप्ट है कि लाइबिलिटी है तो वो सब में डिफरेंस क्या है तो दैट आई एम गोइंग टू क्लियर इट नाउ देखो आप ध्यान समझना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है एक होता है पब्लिक डेप्ट फर्स्ट लेट में चेंज कलर रेड वाले से दिखाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पब्लिक डेप्ट और अदर लाइबिलिटी ठीक है अब याद रखना जो अदर लाइबिलिटी वाला पार्ट है इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट के पब्लिक डेप्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है ठीक है इसको पब्लिक डेप्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डेप्ट है जो रियल पब्लिक डेप्ट कहलाता है उसमें सिर्फ दो पार्ट आते हैं एक आता है इंटरनल डेप्ट दूसरा आता है एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटी को कैलकुलेट नहीं करते ठीक है लेकिन याद रखना डिवीजन कैसे हुआ पब्लिक डेप्ट अदर लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटी को भूल जाओ अभी के लिए और फोकस करो पब्लिक डेट पे ठीक है पब्लिक डेप्ट इंटरनल डेप्ट एक्सटर्नल डेप्ट अब इसको पब्लिक डेप्ट क्यों बोलते हैं ठीक है थीके? बिकॉज इसको कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था नहीं बताया कोई बात नहीं आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया सी एफ आई ठीक है तो जो कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है अपने मार्केट से ले या दैट मीनस इंडिया से ले या बाहर के मार्केट से ले तो उसको पब्लिक डेप्ट कहा जाता है ठीक है समझ में आया नहीं आया कोई नहीं एक बार फिर से ट्राई करते हैं देखो जो भी डेप्ट कॉन्सोडेट फंड ऑफ इंडिया को गिरवी रखे जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया गई दैट मींस हमारी जो गवर्नमेंट है मोदी जी गए एस के पास बोले कि भैया हमें कुछ पैसे चाहिए हम अब एस बोले कि भैया कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आपको तो उन्होंने बोला कि हम अपना कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया गिरवी रखते हैं ठीक है तो उसको कहा जाएगा पब्लिक डेप्ट इन द सेम वे द सेम वे अगर मोदी जी सोचते हैं कि नहीं यार इस बार अपन पुतिन साहब से डेप्ट लेके आते हैं ठीक है पैसा लेके आते हैं क्योंकि ट्रंप साहब तो चले गए अब बाइडन साहब तो पता चलेगा कैसी केमिस्ट्री है उनकी तो अभी पुतीन साहब के साथ देखते हैं तो पुतिन जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे डेप्ट चाहिए और मैं क्या करूंगा अपना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गिरवी रखूंगा पुतिन तो साहब ने बोला ठीक है चलो पार्लियामेंट्री है तो इसे अलाउ कर देते हैं तो जो भी सी के बेसिस में लिया जाता है पैसा वो पब्लिक डेप्ट कहलाता है लेकिन अगर भाई आप दूसरी तरफ अदर लाइबिलिटी की तरफ देखो ठीक है यहां का जो भी पैसा रहता है वो पब्लिक अकाउंट में रहता है ठीक है वो और कहां रहता है पब्लिक अकाउंट में जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया ठीक है पीएफ का पैसा हो गया रिजर्व फंड का पैसा हो गया और और भी जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं जो जैसे एग्जाम्पल स्मॉल सेविंग्स स्कीम ये सब जो जितना भी पैसा जाता है ये गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट नहीं है ये उनकी लाइबिलिटी है मतलब ये उनको वापस करना है जैसे आपका जो पी एफ का पैसा है ठीक है जो आप मंथली कटवाते हो तो गवर्नमेंट को कभी ना कभी वापस करना है तो वो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट ने आपसे बोरो नहीं किया वो गवर्नमेंट की स्कीम थी आपने गवर्नमेंट के पास रखा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के पास डिपॉजिट रखते हो तो क्या उनके ऊपर डेप्ट है वो नहीं वो उनके ऊपर लाइबिलिटी है उनको वापस करना है इन द सेम वे जो पब्लिक अकाउंट पर जो भी पैसा आता है जैसे बताया आपका जो पी का पैसा है रिजर्व फंड का पैसा वो सब कहाँ जाता है पुट्स कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है ये मैं सोचना सी में जाता है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है और पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट नहीं होता है ठीक है इसको मत भूलना डेप्ट और लाइबिलिटी में मैंने अच्छे से दो बार डिफरेंस बता दिया है अगर समझ में आए तो एक बार फिर से वॉइन कर लो अदरवाइज मैं एक बार और बोलता हूँ देखो जो भी पैसा गवर्नमेंट सी के दम पर लेती है भले वो बाहर से ले चाहे अंदर से ले वो पब्लिक का डेप्ट कैलकुलेट होगा मतलब बोलेंगे गवर्नमेंट के ऊपर उतना लोन चढ़ गया है डेप्ट बन गई है लेकिन अगर वो पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोविडेंट फंड हो गया ये हो गया वो हो गया तो वो सिर्फ आप जमा कर रहे हो वो गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ सिर्फ लाइबिलिटी है कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट वापस कर जाएगी लेकिन वो अपना डेप्ट नहीं है ठीक है वो लोन नहीं है तो आई थिंक अब क्लियर हो गया अब तो अच्छे से क्लियर हो गया अब देखो इंटरनल डेप्ट दो पार्ट का होता है एक होता है मार्केटेबल और दूसरा होता है नॉन मार्केटेबल मार्केटेबल सिंपल सी बात है आप मार्केट रेट पे लेते हो फॉर एग्जांपल अपनी सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स डिबेंचर ये सब इशू करते हो ठीक है ये अभी समझ में नहीं आएगा डोंट वरी ये जब मनी मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा इसको याद रखना कि जो भी मार्केटेट रेट पर लिया जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल चार परसेंट पाँच परसेंट तो वो कहलाएगा कब का इंटरनल डैप्ट लेकिन जो नॉन मार्केट से लिया जाता है मार्केट से लोग को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना तो जो मार्केट से आपने सीधा डायरेक्ट पैसा उठाया है ठीक है मार्केट से पैसा उठाया रहता है तो उसको मार्केटेबल डेप्ट बोलते हैं जो मार्केट से नहीं उठाया जाता उसको नॉन मार्केटेबल डैप बोलते हैं अब यहाँ पर समझाऊंगा आई डोट वरी बिकॉज ये जो पूरा पार्ट है दोबारा फिजिकल और अपना ये जो कौन सा पार्ट है यार हाँ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में रिपीट रिपीटेशन है उसका वहाँ पर तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसलिए यहाँ पर सिर्फ बोल बस दे रहा हूँ कि इंटरनल डैप दो पार्ट का होता है मार्केटेबल डैप नॉन मार्केटेबल डैप और एक्सटर्नल डैप तो एक्सटर्नल डैप होता है बस मेरा पर्पज था कि इन दोनों पर डिफरेंस क्लियर कर दूँ ठीक है बाकी ये पूरा पार्ट कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में होगा इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है तो कहाँ पर कवर होगा बीओपी में कवर होगा कहाँ पर बीओपी में तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं मिलेंगे अगले लेक्चर में आज का लेक्चर छोटा था उतना छोटा भी नहीं था बट फिर भी ठीक ठाक था तो अगले लेक्चर में बजटिंग चालू करेंगे और आई होप कि अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा बजट इट इज़ नॉट अ बिग टॉपिक ठीक है चलिए थैंक यू नाइज डे फ्रेंड्स